स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन के सैंपल को अगर हम लोग गर्म करें और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें तो हमें जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलने वाले हैं वो कौन कौन से रेडिएशंस हैं, है ना, और वो रेडिएशंस किस किस रीजन में पड़ेंगे, किस टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है कि जब एक सैंपल हम हाइड्रोजन का लें, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को ले लें और इस सैंपल को हम लोग गर्म करें, हीट करें, इसको हम लोग क्या करें, हीट करें, तो डेफिनेटली इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो अलग अलग जो एटम्स हाइड्रोजन के हैं वो अलग अलग अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्ब एनर्जी किसी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा, किसी का थर्ड में, किसी का फोर्थ में, किसी का और हायर ऑर्बिट्स में चले जाएंगे। लेकिन अगर इस सैंपल को जब हम बंद करेंगे गर्म करना तब क्या होगा, होगा ये कि अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या और हायर ऑर्बिट्स में जा चुके हैं, वो लौट कर वापस लोअर ऑर्बिट्स में आना शुरू हो जाएंगे और जब ये लोअर ऑर्बिट्स में आना शुरू हो जाएंगे तो ये डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस को रिलीज करेंगे और आपको डिफरेंट टाइप के रेडिएशन का एक सीरीज मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कि वे ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज हीटेड एंड देन अलाउड टू कूल डाउन वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस द कलेक्शन ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो उसे हम हाइड्रोजन, इस कलेक्शन ऑफ रेडिएशन को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनते हैं उसके अंदर कई सीरीज देखे गए हैं, चलिए देखते हैं उस सीरीज को, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि मान लो अभी हम जो ऑर्बिट्स है उसको फ्लैट दिखा रहे हैं हम आपको, एक्चुअली तो स्थिति ये होगी कि ये हाइड्रोजन का एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट बनेगा, इस तरह से और हायर ऑर्बिट्स बनेंगे और इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट्स में आएंगे, है ना, इस तरीके से। तो हम इसको राउंड ना दिखा करके कन्वीनियंस के लिए फ्लैट ऑर्बिट्स दिखा रहे हैं आपको ताकि समझने में हमें फिगर बनाने में थोड़ी आसानी हो। तो ये मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस वन इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस वन इज सेकेंड ऑर्बिट, दिस वन इज थर्ड ऑर्बिट, दिस वन इज फोर्थ ऑर्बिट, दिस वन इज फिफ्थ ऑर्बिट, दिस वन इज सेवेंथ ऑर्बिट, सॉरी सिक्स्थ ऑर्बिट, दिस वन इज सेवेंथ ऑर्बिट, एट्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन, और भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं। थियोरेटिकली किसी एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सेकेंड या हायर ऑर्बिट में जम करके चले गए होंगे, तो जब ये लौटेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए
या थर्ड से फर्स्ट में आए, या फोर्थ से या और हाइयर से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स लौट करके आएंगे, ये स्थिति बन सकती है। तो जब सेकेंड या हाइयर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो एक रेडिएशन का एक पर्टिकुलर टाइप का सीरीज बनेगा और इस सीरीज का नाम दिया गया है लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज, ये लाइमैन सीरीज नाम दे दिया गया है इसका। अब उसके बाद ये जो लाइमैन सीरीज के जो रेडिएशंस होते हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर लाइमैन सीरीज के लिए फोर लाइमैन सीरीज इनिशियली इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से जंप कर सकता है, या थर्ड से, या फोर्थ, या और हाइयर से आप इन्फिनिटी तक इसको आप ले सकते हैं, जंप कर सकता है, बट फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो लौट कर आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। तो यहां पर जो डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस का जो सीरीज बना है वो सारे रेडिएशंस अल्ट्रा वायलेट टाइप के होते हैं, मींस इनका जो कैटेगरी है वो अल्ट्रा वायलेट रेज है सारे के सारे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस सीरीज के अंदर यहां पर ये जो है दिस वन इज द फर्स्ट लाइन, है ना, या इसको हम लोग स्टार्टिंग लाइन कह सकते हैं, इनिशियल लाइन कह सकते हैं। तो सेकेंड से फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा तो दिस वन इज द फर्स्ट लाइन और स्टार्टिंग लाइन और इनिशियल लाइन, आप इसको क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लाइन या इनिशियल लाइन या स्टार्टिंग लाइन। तो यहां फर्स्ट लाइन या इनिशियल लाइन या स्टार्टिंग लाइन के लिए क्या होगा कि जो एन इनिशियल होगा वो सेकेंड होगा और एन फाइनल जो होगा वो वन होगा। तो ये तो फर्स्ट की कहानी हो गई। उसी तरह ऐसा तो हो सकता है ना, ये मान लो कि ये और भी बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, ये इनफाइनाइटवा ऑर्बिट है, ठीक है, बहुत सारे बीच में और होंगे ऑर्बिट, तो इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट से भी तो लौट के फर्स्ट वाले में आ सकता है। तो जब इनफाइनाइट वाले नंबर वाले ऑर्बिट से फर्स्ट में लौट जाता है तो ये जो लाइन है दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग लाइन, या इसको हम लोग लास्ट लाइन भी कह सकते हैं, लिमिटिंग लाइन कहे, लास्ट लाइन कहे, या इवन कि हम इसको एक और नाम दे सकते हैं मार्जिनल लाइन। तो इस लिमिटिंग लाइन के लिए या लास्ट लाइन के लिए या मार्जिनल लाइन के लिए, तो देखिए मैं यहां लिखता हूं कि फॉर द लिमिटिंग लाइन या मार्जिनल या लास्ट लाइन के लिए जो n इनिशियल है वो इन्फिनिटी होगा और n फाइनल जो होगा वो वन होगा। दिस इज फॉर लाइमैन सीरीज, है ना। इस तरह ये इनिशियल लाइन और लिमिटिंग लाइन हर एक सीरीज में आगे भी देखने को मिलेंगे। हर एक सीरीज का जो फर्स्ट लाइन होगा, है ना, या इनिशियल लाइन होगा या स्टार्टिंग लाइन होगा, और हर एक सीरीज में आपको लिमिटिंग लाइन या लास्ट लाइन या मार्जिनल लाइन मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। अब हम लोग ये सेकेंड सीरीज क्या हो सकता है, एक ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड में आए या और हाइयर से सेकेंड में लौट कर आए, ये भी स्थिति बन सकती है, है ना। तो इस सीरीज को जब थर्ड या हाइयर से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लौट कर आ रहा हो तो दिस टाइप के रेडिएशन के सीरीज को हम लोग कहते हैं बामर सीरीज नाम दिया गया है। तो बामर सीरीज में क्या होगा, थर्ड फोर्थ या इनफाइनाइट से लौट करके फाइनली सेकेंड में आएंगे। तो बामर सीरीज में जो भी रेडिएशन होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सॉरी
विजिबल रेज होते हैं, ये सारे विजिबल रेज होते हैं, है ना, मतलब इनको हम देख सकते हैं। ये सात कलर के बारे में हम लोग बात करते हैं, उन्हीं में से कोई एक कलर का ये रेडिएशन होगा ये, ठीक है। और इसमें भी लिमिटिंग लाइन होगा और फर्स्ट लाइन होगा, इसमें भी होगा। तो फोर फर्स्ट लाइन इस सीरीज की बात करें तो फर्स्ट लाइन कौन सा होगा, ये वाला होगा, और इसमें इनिशियल जो होगा वो थर्ड होगा, और फाइनल तो सेकेंड होना ही है। और फोर द लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन की बात करें तो देखिए, फर्स्ट लाइन आपको पता चल चुका मैं कि इनिशियल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, इनिशियल ऑलवेज। जब भी लिमिटिंग लाइन की बात करें किसी भी सीरीज में, तो जो इनिशियल लाइन होगा वो इन्फिनिटी ही होगा, और फाइनल जो होगा, जो इनिशियल ऑर्बिट होगा वो इन्फिनिटी ही होगा, और जो फाइनल ऑर्बिट होगा वो अकॉर्डिंग टू सीरीज डिसाइड होगा। जैसे ये लाइमन बार्मर सीरीज के लिए ये फर्स्ट नहीं सेकेंड होगा, लाइमन सीरीज अगर होता तो यहां फर्स्ट हो जाता फाइनल, है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज के बाद जो थर्ड सीरीज इसके अंदर बनता है, ऐसा हो सकता है कि फोर से थर्ड में इलेक्ट्रॉन जंप करके आए, ऐसा भी हो सकता है, या और हाइयर से जंप करके आएगा। तो इसे हम लोग पास चेन सीरीज का नाम देते हैं। तो यहां अगर पास चेन सीरीज की बात करें, फोर पास चेन सीरीज, तो पास चेन सीरीज के अंदर तो जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन कम से कम फोर्थ से आएगा, फर्स्ट लाइन फोर्थ से इलेक्ट्रॉन लौटेगा, और लास्टली इनफाइनाइट तक ये हो सकता है। तो एन इनिशियल जो होगा वो फोर या फाइव या ये इन्फिनिटी तक हो सकता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन लौट करके थर्ड ऑर्बिट में ही आएगा पास चेन सीरीज में। और पास चेन सीरीज में जो रेडिएशन होते हैं वो इंफ्रारेड रेज होते हैं, है ना, ये और कम एनर्जी के रेडिएशन हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब यहां अगर हम लोग चेक करें तो इसका भी फर्स्ट लाइन होगा और फर्स्ट लाइन होगा और लास्ट लाइन होगा, मतलब इनिशियल लाइन और लिमिटिंग लाइन होगा। तो जैसा कि हम बात करें फोर इनिशियल लाइन की, तो इस सीरीज के लिए जो इनिशियल लाइन होगा उसमें पहला जो एन इनिशियल होगा वो फोर्थ होगा, और एन फाइनल जो होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन में देखो फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड में आ रहा है, है ना। जबकि फोर लिमिटिंग लाइन की बात कर ले अगर, तो लिमिटिंग लाइन देखो हमने बताया था कि ऑलवेज इनफाइनाइट लेना है, तो मतलब हमारा जो यहां पर रहेगा एन इनिशियल वो तो इन्फिनिटी ही होगा, और जो फाइनल हमने कहा था कि सीरीज के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करेंगे। तो इस सीरीज में फाइनली इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आता है, तो एन फाइनल क्या होगा, थर्ड होगा। तो ये तो पास चेन सीरीज की बात हमने कर ली। नेक्स्ट सीरीज जो हमारे पास है वो है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फोर्थ में आया हो, या और हाइयर ऑर्बिट से फोर्थ में आया हो, ऐसे, ठीक है। तो यहां जो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन का सीरीज आपको मिल रहा उसको हम लोग ब्रैट सीरीज कहते हैं, ब्रैट सीरीज, ठीक है। तो ये जो ब्रैट सीरीज की बात अगर हम लोग कर लें, सॉरी फोर ब्रैट सीरीज, ब्रैट सीरीज की बात अगर हम लोग कर लें तो ब्रैट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो देखिए इनिशियली कम से कम फिफ्थ से फोर्थ में लौटेगा, मतलब इनिशियल जो है वो फाइव हो सकता है या सिक्स हो सकता है या इस तरह इन्फिनिटी तक हो सकता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा कहां पर, फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है।
तो यहां पर भी जो रेडिएशन होते हैं ब्रैक सीरीज के जो भी रेडिएशन आपको मिलते हैं वो भी इंफ्रारेड रे ही होते हैं, लेकिन वो पाश्चन सीरीज के मुकाबले कम एनर्जी वाले रेडिएशंस होते हैं, है ना। अब जैसे जैसे इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे रेडिएशन का एनर्जी डिक्रीज करता जाएगा। तो ये भी क्या है, इंफ्रारेड रेज ही है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके फर्स्ट लाइन की, फॉर द फर्स्ट लाइन। अब इसके फर्स्ट लाइन की बात करें तो ये वाला इसका फर्स्ट लाइन है जिसमें इनिशियली इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से आ रहा है और फाइनली जो है वो फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका, वैसे हम सम अप करके हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट लाइन ये फिफ्थ ऑर्बिट में जाएगा और ये फोर्थ ऑर्बिट में आएगा, और फॉर द लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन जो एन इनिशियल है वो क्या होगा, ऑलवेज इंफिनिटी होना है, हमने आपको बताया कि इसको ऑलवेज इंफिनिटी लेना है। और ये और फाइनल वाला जो है वो अकॉर्डिंग टू सीरीज डिसाइड होता है, और हम लोग देख रहे हैं कि फाइनली सीरीज में फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं, मींस यहां फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे, ठीक है। ये तो हुआ ब्रैक सीरीज। उसके बाद एक और सीरीज है जिसका नाम है फंड सीरीज। अब एक्चुअली यहां पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको, इस ब्रैक सीरीज को मिटा रहे हैं और फंड सीरीज बनाने जा रहे हैं हम। तो ये आपका देखिए सिक्स से फिफ्थ में या और हाइयर से फिफ्थ में जब इलेक्ट्रॉन लौट के आता है तो डिफरेंट टाइप के सीरीज का जो रेडिएशन आपको यहां मिला है उसको हम लोग फंड, यहां पी साइलेंट है, फंड सीरीज कहते हैं। तो ये फंड सीरीज के अंदर क्या है, फोर फंड सीरीज। फंड सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो सिक्स या हायर ऑर्बिट से जंप करके फिफ्थ ऑर्बिट में आएंगे, मींस जो एन इनिशियल है वो सिक्स सेवन एट्थ या और हायर होंगे, और फाइनली इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट विल बी द फाइनल ऑर्बिट, इसमें आएंगे। और इसके रेडिएशन भी जो है वो इंफ्रारेड रेजी है, पर इसका एनर्जी और भी कम होगा, मतलब जो ब्रैक सीरीज हमने पढ़ा था उससे भी कम एनर्जी इन रेडिएशंस का होगा, मतलब फ्रंट सीरीज के रेडिएशंस का होगा। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गए। अब इसमें फर्स्ट लाइन की बात करें, फॉर द फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन आप चेक करो तो पता चलेगा कि सिक्स से फिफ्थ में आना ये फर्स्ट लाइन है, तो मींस यहां जो इनिशियल होगा वो सिक्स होगा और फाइनल जो होगा वो फाइव होगा। और अब फॉर द लिमिटिंग लाइन, अब लिमिटिंग लाइन की बात कर ले, तो लिमिटिंग लाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये लास्ट वाला है, तो जैसा कि हमने बताया था कि इसका एन इनिशियल ऑलवेज इंफिनिटी ही होगा, एन इनिशियल ऑलवेज इंफिनिटी होगा और एन फाइनल अकॉर्डिंग टू सीरीज डिसाइड होगा। तो ये फिफ्थ सीरीज है ना, तो सॉरी फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लौट कर आएगा, ठीक है। तो ये लिमिटिंग लाइन के लिए हो गया। इसके अलावा एक और सीरीज है, इसको हम्फ्री सीरीज भी कहते हैं, हम्फ्री सीरीज नाम है, चलिए हम यही मिटाकर उसकी भी बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा है कि इसमें सिक्स ऑर्बिट में लौट कर आते हैं, हम्फ्री सीरीज, ये है हम्फ्री सीरीज। तो हम्फ्री सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी हम्फ्री सीरीज, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनिशियली सेवेंथ या हायर, सेवेंथ या एट या हायर से लौट करके फाइनली सिक्स ऑर्बिट में आएंगे।
तो ये जो रेडिएशन है, इस चीज का जो रेडिएशन है वो फार इंफ्रारेड होता है और भी कम फार इंफ्रारेड रेज होते हैं, मतलब और भी कम एनर्जी के, ये बहुत ही कम एनर्जी के इंफ्रारेड रेज होते हैं। ठीक है, अब इसका भी फर्स्ट लाइन हम लोग चेक कर सकते हैं, इसका भी फर्स्ट लाइन चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या है, सेवेंथ से सिक्स में आना, दिस वन इज द फर्स्ट लाइन। तो फोर द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन की बात करें तो इनिशियली सेवेंथ से लौटेगा और फाइनली सिक्स में लौटेगा। सेवेंथ इनिशियल होगा, फाइनल सिक्स होगा। और फोर लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन की बात करें तो इनिशियली हमने बताया था कि इन्फिनिटी लेना है और फाइनली जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू सीरीज लेना है। तो इस सीरीज में फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो सिक्स ऑर्बिट में लौट कर आ रहे हैं तो सिक्स लेंगे। तो ये हमारे छह सीरीज हो गए, जिसमें पांच सीरीज के बारे में तो आपको क्लास इलेवन में पढ़ना ही है और एक और सीरीज को हमने ऐड किया है जो आपके नीट या जेई मेंस या एडवांस्ड के लिए जरूरी है। तो ये तो मैंने सीरीज की बात कर ली। अब इन सारे सीरीज के अंदर जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, उन रेडिएशंस का कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ही और कुछ ना कुछ उनका वेवलेंथ होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ वेव नंबर होगा। देन वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बामर और रेबर्ग ने मिलकर एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उस फॉर्मूला को जानिए। तो वो वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन, इसको आप वन अपॉन वेवलेंथ भी कह सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसका वैल्यू जो होगा वो आर ए, दिस वन इज द रेबर कॉन्स्टेंट, इंटू जेड का स्क्वायर। जेड हमने लिखा है एटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अभी अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो एक जेड का वैल्यू वन लेंगे, बहुत जगह आपको ये जेड का स्क्वायर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये वो हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू वन होता है, तो वन का स्क्वायर वन ही रह जाता है, तो न्यूमेरिकली कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये एक रिलेशन है जिससे आप वेव नंबर या वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात उठती है कि इस आरए जिसका नाम है रेबर्ग्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है पर सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में लिखना चाहें तो आप इसको राउंड ऑफ करके 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 7 पर मीटर लिख सकते हैं। ये आप लिख लो या ये लिख लो, रेबर का कांस्टेंट, रेबर कांस्टेंट का वैल्यू आप यूज कर सकते हो। तो ये रेबर कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। अब आप वेव नंबर निकाल लिए या वेवलेंथ निकाल लिए तो बाकी प्रॉपर्टीज तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े। मान लीजिए आपने वेवलेंथ निकाल लिया तो इस फॉर्मूला का यूज कर ले, C इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, लैम्डा का वैल्यू आप जान चुके हैं, C का वैल्यू आपको पता है, C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर निकल गया तो आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं एच इंटू न्यू, इवन कि आप वेव लेंथ से भी एनर्जी निकाल सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, है ना। टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/ν, ये भी निकाल सकते हैं। तो हर एक प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप लेमडा का या न्यू बार मीन्स वेव नंबर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो अब आपको हम बताते हैं कुछ कंक्लूजन्स। अगर यहां एन इनिशियल एन फाइनल डिफरेंट सीरीज के लिए क्या हुआ उसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली है ऑलरेडी। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं फॉर एनी सीरीज
है ना, या फॉर एनी सीरीज को किसी भी सीरीज के लिए बात करें, फॉर ए फॉर द फर्स्ट लाइन की बात करें किसी भी सीरीज का, तो एन इनिशियल जो है वो एन फाइनल से एक ऊपर लेना है, और एन फाइनल जो होगा वो अकॉर्डिंग टू सीरीज होगा। एन फाइनल क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू सीरीज हम लोग डिसाइड करेंगे। कैसे, तो फोर लाइमन सीरीज, तो आपको पता है कि लाइमन सीरीज में फाइनली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो लाइमन सीरीज के लिए हम लोग एनएफ का वैल्यू वन ले लेंगे। उसी तरह फोर बामर सीरीज, तो एन फाइनल का वैल्यू टू ले लेंगे। उसी तरह पास्चेन सीरीज, तो एन फाइनल का वैल्यू थ्री ले लेंगे। ब्रैट सीरीज फोर, ब्रैट सीरीज एन फाइनल का वैल्यू फोर ले लेंगे, और फोर फर्न सीरीज एन फाइनल का वैल्यू फाइव ले लेंगे। तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि हर एक सीरीज के लिए ये डिपेंड करेगा, एन फाइनल का वैल्यू अलग अलग होगा। तो ये तो फॉर द फर्स्ट लाइन हो गया। तो ये एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी फर्स्ट लाइन के लिए एन इनिशियल डिसाइड करना हो तो एन फाइनल में एक जोड़ लेंगे, तो आपको फर्स्ट लाइन के लिए एन इनिशियल का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन फॉर द लिमिटिंग लाइन की बात अब करें, फॉर द लिमिटिंग लाइन, तो लिमिटिंग लाइन के लिए बस एन इनिशियल ऑलवेज इंफिनिटी ही लेना है हर सीरीज के लिए, और एन फाइनल जो है वो अकॉर्डिंग टू सीरीज यही हम लोग लेंगे, एंड देन हम लोग निकाल सकते हैं ये सारे इस प्रॉपर्टीज का वैल्यू, और इससे बाकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस का वेवलेंथ या वेव नंबर निकालने के लिए एक मास्टर फॉर्मूला, ठीक है, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो फॉर्मूला है सिर्फ उन्हीं स्पेसिस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, है ना, चाहे वो एटम हो चाहे वो आयन हो, लेकिन उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे अगर आप हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन है, या लिथियम टू प्लस के पास भी वन इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं, वन इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हैं। इवन कि आप हीलियम प्लस के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके पास भी वन इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे स्पेसी जो यूनि इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम हो, यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो, स्पेसीज हो, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि कोई एक स्पेक्ट्रम है, कोई सॉरी एक स्पेक्ट्रम बनना है कोई एक एलिमेंट का, और उसमें मान लो कि थर्ड ऑर्बिट से या सिक्स्थ ऑर्बिट से, मान लो कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है या सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है या फर्स्ट ऑर्बिट में लौट कर आने वाला है फाइनली, है ना, थर्ड से मान लो फर्स्ट में आने वाला, तो कितने टाइप के रेडिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ रेडिएशंस पॉसिबल है, उसके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ही मास्टर फॉर्मूला दे रहे हैं जो आप यूज करके आप डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस या कितने टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस पॉसिबल है उस ट्रांजिशन के बीच में, वो हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू होता है एन इनिशियल माइनस एन फाइनल
एन इनिशियल माइनस एन फाइनल प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए भी बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक है ये, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बहुत में कहता है ग्राउंड स्टेट में लौट क्या है, तो आपने एन फाइनल को क्या कर देना है, वन कर देना है। जैसे ही अगर फाइनली वन में आ रहा, ग्राउंड स्टेट में आ रहा, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये तो आपका मास्टर फॉर्मूला है, इसको आप यूज करेंगे। हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि मान लो कि इनिशियली सॉरी फाइनली ये वन में आ रहा है, इनिशियल कुछ भी हो, है ना, देन क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसका इसलिए हम लोगों ने एग्जांपल हमने लिया क्योंकि इससे कॉमनली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने हो जाएंगे, तो एन इनिशियल माइनस वन और यहां एन इनिशियल माइनस वन प्लस वन अपॉन टू। तो यहां आप देख लो ये दोनों कट गया, तो आपके पास क्या आया, एन इनिशियल इंटू एन इनिशियल माइनस वन अपॉन टू, ये आपके पास आंसर आया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का ये फॉर्मूला आ गया। ये एक मास्टर फॉर्मूला है, इसको और इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट में ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन लौट क्या रहा हो तो ये फॉर्मूला, नहीं तो और दूसरे के लिए ये फॉर्मूला, ये तो सबके लिए अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, आज यहीं तक।